आष्टा तहसील क्षेत्र में कलेक्टर डॉक्टर चंद्रमोहन ठाकुर एसपी मयंक अवस्थी के निर्देशों का असर दिखाई देने लगा है। बुधवार को तड़के आष्टा अनुभाग अंतर्गत आने वाले नगर कोठरी के पठार क्षेत्र में शासकीय छात्रावास के समीप अतिक्रमण कर 3 एकड़ भूमि पर किए गए कब्जे को प्रशासन के द्वारा हटाया गया। बताया जाता है कि इस भूमि पर लंबे समय से कृषि कार्य किया जा रहा था और ढाबा भी संचालित किया जा रहा था। प्रशासन के द्वारा ढाबा संचालक और अतिक्रमणकर्ता को नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने की सूचना की दी गई थी, लेकिन अतिक्रमणकर्ता ने इस नोटिस को हवा में उड़ा दिया था। कलेक्टर डॉक्टर चंद्रमोहन ठाकुर के निर्देश पर एसडीएम विजय मंडलोई के मार्गदर्शन में तहसीलदार रघुवीर सिंह मराबी एवं नायब तहसीलदार अतुल शर्मा, आष्टा थाना प्रभारी अनिल यादव, पार्वती थाना प्रभारी विक्रम आदर्श के द्वारा दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ढाबे को जमी दोज किया गया और सीमांकन कर सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। आष्टा के किले रामा पावर हाउस के सामने स्थित करीब 3.5 एकड़ शासकीय तलाई की भूमि पर जगदीश नंदलाल के द्वारा अतिक्रमण कर खेती की जा रही थी। प्रशासन के द्वारा की गई कार्रवाई के बाद भूमि माफियाओं में खलबली मच गई है। आदर्श न्यूज के लिए आष्टा से पत्रकार प्रवेश शर्मा की रिपोर्ट। आज भू माफिया अभियान के अंतर्गत कोसी में 3 एकड़ जमीन मुक्त कराई गई है, जो कि उसमें धर्म सिंह आत्मज जगन्नाथ का कब्जा था। उसको कब फसल बोकर और ढाबा बनाकर अतिक्रमण किया हुआ था, जिसे मुक्त किया गया है। इसी क्रम में आज किले रामा में भी करीब 3.5 एकड़ भूमि रिक्त कराई गई है। इसमें नंदलाल जगदीश वगैरह का कब्जा था। ये तलाई मत की जमीन है, शासकीय जमीन थी, जिस पर अतिक्रमण हटाया गया। मध्य प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी आदर्श न्यूज़ को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। साथ ही अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें।